देख रहे हैं रूबी चैनल पर उर्दू खबर। सबसे पहले देखते हैं असेंबली उमूर के खलमदान से डी श्रीधर बाबू की तब्दीली से तेलंगाना कायदीन चिराग्पा, वजीर आला के इकदाम पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम। रियासती वजीर आला ने काबीना में रद्दो बदल को हक बजानिब करार दिया, इंतखामी कार्रवाई के इल्जामात बेबुनियाद पर मबनी, किरण कुमार रेड्डी की वजाहत। वजीर आला जहनी मरीज, सीनियर कांग्रेसी खायद वी हनुमंत राव का इल्जाम, किरण कुमार रेड्डी सियासी आगाओं के साथ दगाबाजी में मसरूफ। बल्लेपल्ली में बहस व तकरार के बाद दो पड़ोसियों के दरमियान तसादुम, एक पड़ोसी जान बहक। और फसलानसर इलाके के मकान में मुहिब आतिजदगी का वाकया, लाखों रुपये मालियाती कीमती साज व सामान बशमूल, मारुति कार जलकर खाकतर। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने अवाम को साले नौ की मुबारकबाद पेश की है। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने साले नौ के पैगाम में कहा कि हम सब मिलजुल कर अपने मुल्क और रियासत की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए जद्दोजहद करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कैंप ऑफिस और सेक्रेटेरिएट में सियासी कायदीन और अवामुन्नास से मुलाकात की, जो उन्हें मुबारकबाद पेश करने वहाँ पहुँचे थे। मुख्तलिफ सरकारी महकमे जात के आला अहदेदारों के अलावा कांग्रेसी लीडरों ने भी किरण कुमार रेड्डी को नए साल की मुबारकबाद पेश की। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने भी वजीर आला से मुलाकात की और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने नई सियासी पार्टी के क्याम की तरदीद की है। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने 3 जनवरी से शुरू होने वाले असम्बली इजलास पर अपनी तवज्जो मरकोज करने की बात कही है। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने दो टोक अंदाज में कहा कि रियासती काबीना में और किसी भी महकमे जात में रद्दो बदल करने का उन्हें पूरा इख्तियार है। चश्मे के रोज़ वजीर उमूर श्रीधर बाबू को ओहदे से हटाने के उनके फैसले के बाद पार्टी कायदीन की नाराज़गी व बरहमी पर वजीर आला ने अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए इसकी वजाहत की है। उन्होंने कहा कि महकमे कमर्शल टैक्स यानी सरकारी सालाना आमदनी में रेवेन्यू में कमी के बायस उन्हें इस ओहदे के लिए मुंतखब किया। वजीर आला ने तेलंगाना मुशाहदा बिल पर मुबाहस को खास तवज्जो मरकोज करने की भी बात कही है। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने वजाहत की कि श्रीधर बाबू के खलमदान में तब्दीली में कोई जहनी तासुबकार फरमा नहीं है। वजीर आला ने बताया कि महकमे इनकम टैक्स का खलमदान काफ़ी अरसे से खाली था। श्रीधर बाबू इससे इंसाफ करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, इसलिए ये तब्दीली की गई।
रियासती वजीर जाना रेड्डी ने श्रीधर बाबू की वजारत तब्दील करने पर वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। रियासती वजीर जाना रेड्डी ने श्रीधर बाबू के ओहदे की तब्दीली को गैर जमहूरी तर्ज अमल करार दिया है। चारशुबे के रोज राजभवन में गवर्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला श्रीधर बाबू के ओहदे में तब्दीली करते हुए शैतानी खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून साजी के उमूर से श्रीधर बाबू को हटाने के अमल पर वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी का इख्तियार करदा गैर जमहूरी तर्ज को हाईकमान के रूबरू रखेंगे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि असेंबली इजलास में तेलंगाना बिल को रोकने की गर्ज से ही चीफ मिनिस्टर गैर जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने तयखुन दिया कि तेलंगाना बिल पर मुबाहस तक वो खामोशी इख्तियार करेंगे। जाना रेड्डी ने तेलंगाना आवाम से भी असेंबली में मुबाहस मुकम्मल होने तक खामोशी इख्तियार करने और पुरामन रहने की अपील की है। मुतहदा आंध्रा हामी रियासती वजीर शैलजा नाथ ने साल 2014 में भी रियासत आंध्र प्रदेश मुतहद रहने का दावा किया है। वजीर आला की जानिब से आला तालीम के वजीर शैलजा नाथ को असम्बली उमूर का वजीर बनाने का उनके हामियों ने खैर मकदम किया है। अनंतपुर में अपनी ख्यामगा पर वजारत की तब्दीली पर इजहार ख्याल करने से इनकार करते हुए शैलजा नाथ ने वजीर आला के फैसले पर खामोशी अख्तियार की है। उन्होंने कहा कि असम्बली उमूर का वजीर बनाए जाने पर कुछ कहना कबलस वक्त होगा। शैलजा नाथ ने यकीन जाहिर किया कि साल 2014 में भी मुतहदा रियासत आंध्र प्रदेश बरकरार रहेगी। उन्होंने साल नौ की अवामुन्नास को मुबारकबाद पेश की है। रियासती वजीर आनम राम नारायण रेड्डी ने काबीना में तब्दीली के इकदाम को हक बजानिब और मुनसिफाना करार दिया है। रियासती वजीर आनम राम नारायण रेड्डी ने श्रीधर बाबू को ओहदे से हटाने पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि काबीना में रद्दोबदल करने का वजीर आला को इख्तियारात हासिल हैं। गवर्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत के पेश नज़र वजीर आला ने संजीदगी से सोच समझ कर ही फैसला किया है। आनम ने कहा कि इस मामले को सियासी रंग देना गैर दानिशमंदाना होगा। उन्होंने वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी के फैसले को दूरअंदेशी से ताबीर किया है। आनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि खलमदान की तब्दीली से बास खायदीन सियासी फायदा उठाने कोशा है। मरकजी वजीर डी पुरंदेश्वरी और इनके शोहर डी वेंकटेश राव की बीजेपी में अनकरीब शमूलियत से मुतालिक इतलात पर पुरंदेश्वरी ने बीजेपी में शमूलियत की तरदीद की। जराये के मुताबिक रुकने पार्लियामेंट विजयवाड़ा एल राजगोपाल और गुंटूर के रुकने पार्लियामेंट आर सांबा शिवा राव भी जाफरानी जमात में शमूलियत के सिलसिले में गौर कर रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कारपोरेशन मेयर माजिद हुसैन ने अनीसुल गुरबा यतीम खाने का दौरा करते हुए यतीम बच्चों को साल नौ की मुबारकबाद दी। चारशंबे के रोज मेयर माजिद हुसैन अपने अमले के हमरा अनीसुल गुरबा का दौरा किया और अनीसुल गुरबा में मुखीम बच्चों से मुलाकात की और उन्हें साल नौ की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों में मिठाई भी तकसीम की। अलावाजी मेयर माजिद हुसैन ने इन बच्चों से इनके ख्वाहिशात मालूम की, जिस पर बच्चों ने खेल कूद के सामान मुहैया किए जाने की बात कही। चुनाचे मेयर माजिद हुसैन ने इस मौके पर बच्चों को खेल कूद का सामान जल्द अज जल्द देने का तयखुन दिया। साल की एक नई तरीके से शुरुआत हुई है और मैं बहसियत मेयर और फर्स्ट सिटीजन ऑफ हैदराबाद के तौर पे मैं ये चाह रहा था कि इन बच्चों के दरमियान में नया साल मनाया जाए। हर कोई इस शहर में बहुत जोश से और जज्बे से नया साल मनाता है और अपने अपने घर के और अपने फैमिली के साथ मनाता है। बस खुशियत ये बच्चों की ये है कि इनके साथ कोई नया साल मनाने वाले नहीं है। मैं एक यहाँ पे आने का मकसद ये है कि शहरान जो भी शहरी हैदराबाद है उनको भी एक पैगाम दे सकूँ कि हमें भी ये चाहिए कि हम इनके दरमियान में आए, इनके खुशियाँ और बढ़ाएँ और इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करें। वह तो अल्हम्दुलिल्लाह के एहसान से हर किसी का अपना अपना ख़ानदान है और अपने अपने करीबी चाहने वाले हैं, मगर ये बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हमें हमारी सब ज़रूरत है और हम हमारी तरफ से हर तल इनका ये कोशिश कर सकते हैं कि इनको एक छोटी खुशी बस अपने एक थोड़ा सा वक्त निकाल के इनके दरमियान में रहने से इनकी खुशी में बहुत ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं। यहाँ के बच्चे कुछ ज़्यादा हमसे नहीं मांगते कि कुछ उनके ख्वाहिशात पूरे करने के लिए, बस अगर हर एक अपने अपने तरफ से अगर इनको वक्त दे तो शायद अपने अपने तौर पे इनकी आगे आगे हौसला अफजाई भी हो सकती है और अच्छे मुकाम के लिए इनकी। डीजीपी आंध्र प्रदेश प्रसाद राव ने अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए नए ख्वाहिशात का इजहार किया।
डीजीपी दफ्तर वाक़े लकड़ी का पुल में मुनक़िदा सालेनों की तकरीब में प्रसाद राव ने केक काटा। इस मौके पर पुलिस के आला अहदेदारों के अलावा दूसरी मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें भी मौजूद थी। डीजीपी प्रसाद राव ने आवाम को पुरामन और खुशहाली की भी मुबारकबाद पेश की है। डीजीपी प्रसाद राव ने पुलिस की जानिब से हर मौके पर अवामुन्नास की मदद करने का भी तयखुन दिया। तिरुमल राव गारु श्रीनिवास रेड्डी गारु तर्वात एआईजी सुब्बाराव तर्वात मिनिस्टर स्टाफ असोसिएशन डीजीपी आफी संबंधी मेंबर्स अंदर की तरह पुलिस आफी असोसिएशन सभ्यु वो अंदर शुभाकांक्ष नूत संवर शुभाकांक्ष चला मत प्रोग्रम आर्गनजार ओपिक अंत प्रोग्रम चूस्तर मे अंदर की सदर्भंग నేను ధన్యవాదాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను. 2013 మనందరికీ తెలుసు ఎన్నో కష్ట పరిస్థితుల్లో మనం महकमे पुलिस की जानिब से टैंक बोर्ड चौराहे पर सालिनों का केक काटकर आवाम को मुबारकबाद पेश की गई। पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अमित गर्ग, जॉइंट सीपी महेश भगवत और मुरलीधर के अलावा पुलिस के आला अहदेदारों ने साले नौ के जश्न पर तावुन करने आवाम से इजहार तशक्कुर किया। अनुराग शर्मा ने 31 दिसंबर की रात पुरामन तरीके से नए साल की खुशियां मनाने पर इत्मीनान और खुशी का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नया साल रियासत और मुल्क के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। अनुराग शर्मा ने कहा कि वो अवाम को हर मुहाज पर कामयाबी के मुतमन्नी हैं। चादरघाट पुलिस की जानिब से साले नौ के मौके पर केक काटा गया और अवामुन्नास को साल 2014 की आमद पर मुबारकबाद पेश करते हुए उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चादरघाट के अतराफ अकनाफ में केक्स की फरोख्तगी में खदरे इजाफा देखा गया। का आगाज किया जाएगा आज रात को 12 बजे और उसके अंदर जो है कई तरह के सेलिब्रेशन हैदराबाद सिटी के अंदर किए जा रहे हैं। मैं मेरी तरफ से और हमारी पूरी हैदराबाद पुलिस की तरफ से मैं सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि नया साल आप जरूर जश्न के साथ मनाएं, लेकिन आपका जश्न किसी दूसरे की शांति में किसी दूसरे के चारमीनार पुलिस की जानिब से मंगल के शब अफजलगंज और पुराना पुल इलाके में इंस्तेदादे शराब नोशी और तनखीही मुहिम चलाई गई। इस दौरान पुलिस ने 10 अफराद के खिलाफ शराब नोशी की हालत में गाड़ी चलाने के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए हैं, जबकि 20 टेबल राइडिंग के मुकदमात दर्ज किए गए हैं।